हेलो, वेलकम टू तारोबा। ये उल्टा पुल्टा वीडियो, एक्चुअली मेरा कैमरा गलती से उल्टा लग गया था तो उल्टा शूट हो गया, पर तारोबा एकदम सीधा मस्त। इतनी शानदार वाली जगह है और यहाँ घूमने में इतना मज़ा आता है फ्रेंड्स कि मैं तो बार बार आती रहती हूँ। मैं, मेरी फैमिली, वी लव तारोबा। बेसिकली यहाँ का पूरा रिसॉर्ट एंड 2 दिन का अगर छुट्टी लेना हो, वीकेंड मनाना हो या नेचर को जस्ट एंजॉय करना हो तो बेस्ट प्लेस है तारोबा। नागपुर से क्लोजेस्ट है, लाइक 3 घंटे का टाइम लगता है अगर बाय रोड ड्राइव करके हम जाते हैं तो। और बहुत अच्छे अच्छे रिसॉर्ट्स हैं यहाँ पे जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बुकिंग हाँ थोड़ी पहले करनी पड़ती है। उसमें से एक अच्छा सा रिसॉर्ट है जहाँ पे हम अक्सर रुकते हैं, ये रिसॉर्ट सारस। और जस्ट मॉर्निंग होते ही आप सफारी का मज़ा ले सकते हैं। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा 1-2 महीने पहले बुक करना पड़ता है क्योंकि विजिटर्स का बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, बुकिंग जल्दी मिलती नहीं। तो अगर प्लान कर रहे हों तो 2 महीने, 1-2 महीने पहले से प्लान करें और तब विजिट करें। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप जंगल में सफारी करने जाएंगे तो निराश होकर वापस नहीं आएंगे क्योंकि हमें नेचर में एक टाइगर के अलावा बहुत सारे, इतने सारे एनिमल्स यहाँ पे हैं कि आपको बहुत कुछ साइटिंग हो जाती है। लाइक बाइसन है, बहुत अच्छे यहाँ पे नंबर्स हैं बाइसन की। एंड बाकी नेचर तो है ही, जैसा आप देख रहे हैं कि इतना भरा हुआ जंगल है। वैसे आपको पता होगा महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। और ये पार्क बनाया गया था 1955 में, इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रिएट किया था 1935 में, और उसके बाद में इसे एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स जो हैं उसकी बहुत ही वास्ट वैरायटी है। लाइक टाइगर, पैंथर, लेपर्ड, चीतल, जैकल, गौर एंड डियर, सांबर, एंटलोप, स्लॉथ बियर्स, क्रोकोडाइल्स, लाइक कितने वैरायटी है एनिमल्स की। और सबके लिए सफिशिएंटली एक अच्छा सा एनवायरनमेंट है जिसमें सारे एनिमल्स एक अच्छा सा इकोसिस्टम शेयर करते हैं। और ऐसे ताड़ोबा के कुछ टाइगर्स तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जैसे मटकासुर है, वाघडो है, और ऐसे कितने ही टाइगर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हैं इनकी कुछ कुछ स्पेशलिस्ट की वजह से, जैसे वाघडो सबसे बड़ा टाइगर माना जाता है। और उसका बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ के पॉपुलेशन के लिए, टाइगर पॉपुलेशन के लिए। अराउंड 40 के ऊपर कब्स हुए और बहुत ही अच्छा उसने एक लाइफ जिया है पूरा। और एजिंग की वजह से 19 इयर्स की एज का होने के बाद में उसकी रिसेंटली कुछ महीने पहले डेथ हुई। तो ये शो करता है कि ये कितनी अच्छी प्लेस है टाइगर्स के अब रहने के लिए। पानी के पास गर्मियों के दिन में देखने को मिल जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि ताड़ोबा घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम है जनवरी, फरवरी से लेकर के मई जून तक, जब बारिश आने के पहले का मौसम। उन दिनों घास भी कम हो जाती है और आपको पानी के आसपास में जानवर आराम से देखने के लिए मिल जाते हैं क्योंकि पानी पीने के लिए आते हैं। और जो अच्छे डीप जो हैं पानी के वाटर बॉडीज, वहीं पे आपको एनिमल साइटिंग बहुत अच्छे से होती है। तो फ्रेंड्स, ये टाइम अभी बहुत अच्छा है, जैसे अभी आगे मार्च का महीना आने वाला है, मार्च अप्रैल में बहुत ही शानदार सफारी हो सकती है जिसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल होगी। कम से कम 1-2 महीने का टाइम लगता है, तो प्लीज जल्दी से
चेक कर लीजिए और इस नेचर का मज़ा ले सकते हो आप बिल्कुल। और मेरी वीडियोस तो आते ही रहेंगे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ताड़ोबा में विजिट करना। एंड जल्दी ही मैं आती हूँ दूसरे वीडियो के साथ में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। थैंक यू, बाय।